आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मम्मा मम्मा पापा कब आएंगे? कल आ जाएंगे बेटा। अच्छा अभी रात हो गई है और सोने का टाइम भी हो गया है। पल्लवी के पापा काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। आज घर में पल्लवी, उसकी माँ और उसकी बहन उर्मी ही थे। हाँ मम्मा, मुझे पता ही नहीं चला कि 10 कब बज गए। पल्लवी की बहन उर्मी उसकी माँ से कहते हुए बोली, अच्छा तो मैं वॉशरूम होके आती हूँ। पल्लवी ने उन दोनों से कहा और वह वॉशरूम की ओर चली गई। वहाँ से लौटते वक्त उसकी नजर घर के गेट की तरफ चली गई। देखा तो समझ आया कि गेट को लॉक नहीं किया था। ये देखकर पल्लवी दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आई और हंसते हुए कहने लगी, मम्मा हम तो ऐसे ही सोने जा रहे थे, हमने तो गेट को लॉक ही नहीं किया। क्या गेट खुला है? थोड़ी देर पहले देखा तो बंद था, फिर आप कैसे खुल गया? माँ ने थोड़ा सा सोचते हुए कहा, शायद आपने ठीक से नहीं देखा होगा माँ। उर्मी ने अपने माँ से कहा, हाँ हो सकता है, एक काम करो, अब देख ही लिया है तो लॉक भी कर लो। वैसे भी हम दोनों लेटे हुए हैं और तुम खड़ी हो ना। माँ ने शरारत भरे लहजे में पल्लवी से कहा और फिर उर्मी और वो एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। मैं ही लगाऊंगी, खड़ी जाऊ, पल्लवी ने मुंह बनाते हुए बोला। अब ज्यादा नखरे मत करो, चुपचाप जाकर गेट को लॉक करो। इस बार पल्लवी की माँ ने लगभग डांटते हुए कहा, सामने तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ कितना अंधेरा है, गेट के पास वाली लाइट को भी आज ही बंद करना था। गेट को लॉक करते वक्त अगर कोई भूत प्रेत वहाँ से निकल के सामने आए तो क्या होगा? माँ की डांट सुनकर खुद से ही बड़बड़ाते हुए पल्लवी गेट की तरफ जाने लगी। उसने गेट को लॉक किया और वापस आने लगी। तभी उसे याद आया कि उसने गेट तो लगा लिया है मगर चाबी वही छोड़ दी। यह याद आने पर वो फिर से मुड़कर गेट के पास चाबी लेने चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि गेट तो लॉक हुआ ही नहीं। फिर उसने एक और बार गेट को लॉक कर दिया, ये सोचकर कि गलती से उसकी तरफ से लॉक नहीं लगा होगा। वो लॉक करके कमरे में लौट आई। फिर अचानक उसके मन में क्या आया पता नहीं, वो एक बार फिर लॉक देखने चली गई। इस बार भी गेट का लॉक खुला ही था। ये देखकर अब पल्लवी को डर लगने लग गया। उसे अब अंदाजा हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके मन में अजीब अजीब सवाल उठ रहे थे, ये क्या, मैंने तो दोबारा लॉक किया था गेट को, फिर ये इस तरह क्यों खुल रहा है? कहीं मेरे अलावा और भी है क्या? कौन होगा? बिना चाबी के वह गेट कैसे खुल सकता है? नहीं नहीं पल्लवी, ऐसा मत सोच, वहां कोई नहीं है। डरते हुए वो गेट की तरफ बढ़ने लगी। इस बार उसके हाथ में मोबाइल था। वो धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ गई। उसे डर तो लग रहा था लेकिन अगर वो उसकी माँ को बताती तो उसे फिर से डांट पड़ती, इस वजह से उसने नहीं बताया। अचानक से उसके पैर में कुछ तो अटक गया और वो जोर से चिल्लाई, उसकी चीख सुनकर उसकी माँ और बहन भागी भागी उसकी तरफ आ पहुंची। क्या हुआ दीदी, आप चिल्लाए क्यों? क्या हुआ पल्लू, क्या हुआ पल्लू? पल्लवी की माँ और बहन उससे पूछने लगे, मामा यहाँ कुछ है जो मेरे पैरों में अटक गया था। पल्लवी अपनी माँ के पीछे छिपती हुई बोली। जब उन दोनों ने टॉर्च लगाकर देखा तो गेट के बाहर एक बिल्ली दिखाई दी और उसे देखने के बाद उर्मी
और उसकी माँ फिर से एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। पल्लवी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर दी थी। जब उसने उसके माँ और बहन की हंसने की आवाज सुनी तो धीरे से अपनी आंखों से हाथों को हटाते हुए बिल्ली की तरफ देखा। डर गई की बिल्ली से डर गई, हमें लगा शायद कोई भूत ऊत होगा। पल्लवी को इस तरह डरा हुआ देखकर वे दोनों उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे डरपोक बुलाने लगे और गेट को लॉक करके वहां से कमरे में चले गए। पल्लवी भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। एक आवाज फिर से उसके कानों पर पड़ी, इसलिए वो जगह पर ही रुक गई और उन दोनों को आवाज लगाकर बुलाने का सोचने लगी। फिर उसे लगा कि अगर उन दोनों को बुलाएंगे फिर से उसका मजाक ही बनेगा, इसलिए फिर वो अकेली आवाज की तरफ बढ़ने लगी। तू डरपोक नहीं है पल्लवी, तुझे देखना होगा कि आवाज कहां से आ रही है और किसकी है। खुद को समझाते हुए पल्लवी आवाज की ओर बढ़ रही थी। अचानक उसकी नजर उसी बिल्ली पर पड़ी जो कि काले रंग की थी और उसकी आंखें चमक रही थी। उसने बिल्ली को वहां से हटाने का सोचा और वो उसे हटाने लगी। बिल्ली आवाज निकालते हुए अचानक एक डरावने रूप में बदल गई। उसके बड़े बड़े नाखून और अजीब तरह से चमकती हुई आंखें देखकर पल्लवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर एक जोर की आवाज हुई और गेट पूरा खुल गया। वो चमकती आंखें तेजी से पल्लवी की तरफ बढ़ने लगी। गेट की आवाज सुनकर उर्मी और उसकी माँ उस ओर चले आए। सामने देखा तो पल्लवी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी और कोई उसके शरीर को लंबे लंबे नाखूनों से नोच नोच कर खा रहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके अपने चैनल यस के द हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए।